नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास सिक्स की स्टोरी फेयर प्ले लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। इस कहानी में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी नाम के तो बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। सभी गांव वाले उन दोनों दोस्तों का बहुत ही सम्मान भी करते थे। जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी जिसके पास कुछ संपत्ति थी। उसने उस संपत्ति को जुम्मन के नाम कर दिया और शर्त ये थी कि जुम्मन उनको अपने साथ में रखेगा और उनकी अच्छे से देखभाल भी करेगा। लगभग 2 वर्षों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद परिस्थिति बदल गई। जुम्मन और उसके परिवार का व्यवहार उसकी चाची के लिए बदल गया। जुम्मन व उसकी पत्नी उस बूढ़ी चाची के साथ सही से व्यवहार नहीं करते थे। जो भी वो थोड़ा बहुत खाना उसे देते थे, वह भी बड़ी बेइज्जती के साथ देते थे। एक दिन जुम्मन की बूढ़ी चाची का सब्र समाप्त हो गया और उसे ऐसा लगने लगा कि वह जुम्मन और उसके घर पर बोझ बन गई थी। इसलिए उस बूढ़ी चाची ने जुम्मन से कहा कि वह उसे हर महीने कुछ पैसे दे ताकि वह अपना चूल्हा अलग कर सके। इस बात पर जुम्मन बहुत बेशर्मी से ये बोलता है कि उसकी पत्नी को घर को अच्छे ढंग से चलाना आता है। इसके बाद बूढ़ी चाची ने ये मामला ग्राम पंचायत के सामने रखा। अपनी बात को समझाने के लिए वह बूढ़ी महिला गांव वालों के पास गई। कुछ ने उसे सहानुभूति दिखाई, कुछ लोग उस पर हंसने लग गए और कुछ लोग उसे ये सलाह देने लग गए कि उसे जुम्मन व उसकी पत्नी के साथ मामले को सुलझा लेना चाहिए। अब अंत में जुम्मन की बूढ़ी चाची उसके दोस्त अलगू चौधरी के पास मदद के लिए जाती है। वह सारे मामले को अलगू चौधरी को बताती है। इस पर अलगू चौधरी उसे कहता है कि वह जुम्मन के खिलाफ नहीं जा सकता क्योंकि वह उसका सबसे अच्छा दोस्त है। इसके बाद जुम्मन की बूढ़ी चाची अलगू से कहती है कि बेटे, जो तुम सही और उचित समझते हो उसको ना कहना क्या ठीक है? अब एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठती है। जुम्मन बोला, मेरी चाची पंच को चुन लें और मैं उसकी बात को मान लूँगा। बूढ़ी चाची ने यह जानते हुए भी कि अलगू चौधरी जुम्मन का सबसे अच्छा दोस्त है, उसका नाम का प्रस्ताव रख दिया। इस बात पर जुम्मन का दिल बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि उसका सबसे अच्छा दोस्त होने के कारण अलगू उसके खिलाफ जा ही नहीं सकता है। लेकिन जुम्मन की ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी क्योंकि अलगू चौधरी ने बूढ़ी चाची के पक्ष में अपना निर्णय सुनाया। उसने कहा कि पंच के दिल में पंचमेश्वर का निवास होता है। उसका कहने का मतलब ये था कि पंच होने के नाते कोई भी व्यक्ति न्यायपूर्ण और उचित होने के लिए बाध्य हो जाता है। परंतु जो जुम्मन था वह इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज हो गया। इस घटना के बाद से दोनों को साथ साथ कभी भी नहीं देखा गया। जुम्मन अलगू से अब बदला लेना चाहता था। कुछ दिनों बाद अलगू के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। उसने अपना बैल समझू साहू नाम के व्यक्ति को बेच दिया था और समझू साहू नाम के व्यक्ति ने उससे वादा किया था कि वह 1 महीने के अंदर ही उस बैल की कीमत को चुका देगा। लेकिन दुर्भाग्य से पैसे चुकाने की तारीख से पहले ही वह बैल मर गया था। साहू ने अब पैसे देने से इनकार कर दिया। एक बार फिर से ये मामला पंचायत के सामने रखा गया। इस बार समझू साहू ने पंच के रूप में जुम्मन के नाम का प्रस्ताव रखा। अब अलगू का दिल बैठ गया। उसे पक्का विश्वास हो गया कि जुम्मन उसके खिलाफ ही निर्णय देगा और उसे उस प्रस्ताव को स्वीकार भी करना पड़ेगा। हालांकि जुम्मन बदला लेने की इच्छा में जल रहा था, पर न्याय की कुर्सी पर बैठकर वह ऐसा नहीं कर सकता था। और जुम्मन ने अपना फैसला अलगू चौधरी के पक्ष में सुनाया। उसने कहा कि अलगू ने जो बैल समझू साहू को दिया था वह बैल बिल्कुल ठीक था, लेकिन समझू साहू ने उस बैल से इतना काम कराया कि वह मर गया। इसलिए जुम्मन ने यह कहा कि समझू साहू को उस बैल के लिए अलगू को पैसे देने पड़ेंगे। अब अलगू के खुशी का ठिकाना ही ना रहा और वह चिल्लाकर बोला कि यह पंचायत और न्याय की जीत थी। और साथ ही साथ उसने कहा कि पंच के दिल में पंचमेश्वर का निवास होता है,
फिर दोनों दोस्त एक दूसरे के गले मिले और रो पड़े। आंसुओं ने उन दोनों दोस्तों के बीच की गलतफहमी की धूल को धो डाला था। तो दोस्तों, यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप इसी तरह की कहानियाँ जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।